अब दादू तुमको एक कहानी सुनाएगा। एक बार दूर एक देश में एक बूढ़ा राजा था और उस बूढ़े राजे का एक प्यारा सा पोता था। एक दिन वो पोता अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौट रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उस पर किसी भूत का साया गिर गया। सब लोगों ने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की। बूढ़े राजा ने बड़े से बड़े तांत्रिक को बुलाया, लेकिन वो पोता फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। आखिर हार मानकर बूढ़ा राजा एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उस वक्त उस पेड़ से उसे एक आवाज सुनाई थी। पेड़ ने कहा, वो भूत तुम्हारे पोते के लाल कपड़े में छुप कर बैठा, उसके कपड़े जला दो, भूत अपने आप भाग जाएगा। बूढ़ा राजा अपने पोते के पास आया, उसके कमीज को उतारा